देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अब उन्हें Z प्लस की सिक्योरिटी मिलेगी। इसका भुगतान मुकेश अंबानी स्वयं करेंगे। भारत सरकार ने केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसी के इनपुट पर और सुरक्षा समीक्षा के बाद उद्योगपति मुकेश अंबानी के सुरक्षा कवर को Z प्लस की श्रेणी में अपग्रेड कर दिया है। आपको बता दें कि देश के बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी का लेवल Z से बढ़ाकर Z प्लस कर दी गई है। अब मुकेश अंबानी देश के उन 40 से 50 लोगों में से हैं जिनको ये सिक्योरिटी हासिल है। Z प्लस स्तर की सुरक्षा उन महत्वपूर्ण लोगों को मिलती है जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं या फिर उनके मरने से बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि Z प्लस सिक्योरिटी सिर्फ VVIP को ही मिलती है। ये लेवल प्रधानमंत्री को मिलने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के बाद दूसरे स्तर की तिगड़ी सिक्योरिटी है। जिसको भी ये सिक्योरिटी मिलती है वो चलते फिरते अवैध किले में रहता है। उस VVIP के चारों तरफ 58 जवान सुरक्षा में रहते हैं। 58 जवानों में 10 NSG या फिर आर्म स्टैटिक गार्ड होते हैं। इसके अलावा 15 पुलिस कमांडो, 6 PSO, 24 जवान और 5 वॉचर्स, 1 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है। उनके काफिले में 4 से 5 बुलेट प्रूफ कारें भी होती हैं। इसके अलावा उन VVIP के घर आने जाने वालों की जांच के लिए 6 जवान और 6 प्रशिक्षित ड्राइवर भी होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार वर्ष 2013 में भुगतान के आधार पर मुकेश अंबानी को CRPF कमांडो का Z श्रेणी का सुरक्षा कवर दिया गया था। उनकी पत्नी नीता अंबानी के पास Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। इनके सुरक्षा में कमांडो की संख्या में कमी है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के अंतर्गत होती है। किसी को सिक्योरिटी देने का जिम्मा राज्य का होता है। सिक्योरिटी किसे मिलेगी ये सुरक्षा एजेंसियां खतरे के आधार पर तय करती हैं। खतरे के आधार पर ही सुरक्षा बढ़ाई या फिर घटाई जाती है या फिर वापस ले ली जाती है। एक आम सिक्योरिटी एक्सपर्ट की 2 कमेटियां करती हैं। इसके अलावा इन महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारें केंद्रीय गृह मंत्रालय से तालमेल रखती हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे बड़े पदों पर तैनात लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है या फिर समाज में ऊंचा रुतबा रखने वाले लोगों को भी केंद्र सरकार सिक्योरिटी देती है। सरकार ने सिक्योरिटी की 5 कैटेगरी बना रखी है। इनमें XY, Y+ और Z और साथ ही Z+ सिक्योरिटी शामिल है। पिछले साल 9 मार्च को गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया था कि 230 लोग ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार सुरक्षा दे रही है। 19,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार सुरक्षा देती है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक दिसंबर 2019 तक देश भर में 19,487 VVIP थे जिनकी सुरक्षा में 66,043 पुलिस कर्मी लगे थे। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।